विकृत मानसिकता आज भी समाज में जीवंत है। समय बदलता है पर यह सोच समाज में सदैव विद्यमान थी, है और रहेगी। भारत को तोड़ने और उसे इस्लामिक देश बनाने के लक्ष्य के साथ कुछ संगठन ऐसे काम कर रहे हैं जैसे न जाने भारतीयों ने उनके साथ क्या कर दिया हो। कुछ ऐसे संगठन भारत में काफ़ी समय से संचालित हैं जिनका हाथ हर उस भारतीय विरोधी कांड में होता है जो भारत को विभाजित करने का लक्ष्य रखते हैं। ऐसा ही एक संगठन है PFI, जिसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और हर देश विरोधी मामलों के पीछे इस संगठन का हाथ होता है। कई राज्यों ने तो इसे बैन भी किया है, लेकिन अब जरूरत है कि केंद्र सरकार इस संगठन पर सख्त कार्रवाई करते हुए इसके समूल विनाश की नींव रखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि अल्पसंख्यकों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए बने इस संगठन, जिसके तार धीरे धीरे देश विरोधी गतिविधियों में जुड़ते गए, अब अगर केंद्र सरकार इस पर सख्त एक्शन नहीं लेती है तो कैसे यह संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी CIMI 2.0 में परिवर्तित हो सकता है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। यूं तो द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन है जो स्वयं को वर्ष 2006 में राष्ट्रीय विकास मोर्चा के उत्तराधिकारी के रूप में गठित हुआ। इस संगठन के अनुसार इसका ध्येय अल्पसंख्यकों की आवाज बनना है, पर आज तक इस संगठन को लेकर जो भी खबरें सामने आई है वो इससे बिल्कुल उलट ही है। यह संगठन बीते कई वर्षों से देश विरोधी एवं आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाया जा चुका है। यही कारण है कि इस संगठन पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की पैनी निगाह बनी रहती है, जो देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक भी है। संगठन पर काफी पहले से ही कई हिंसक और चरमपंथी घटनाओं के आरोप लगते आए हैं। केरल और कर्नाटक की पुलिस को PFI केंद्रों में घातक हथियारों के इस्तेमाल के सबूत भी मिले हैं। अब तक ऐसे कई घटनाक्रम रहे हैं जिनमें PFI की संलिप्तता पाई गई है, फिर चाहे वो हाल ही में चल रहा हिजाब विवाद हो या पूर्व में कई ऐसे दंगे जिसने देश को हिलाने का काम किया। दिल्ली में CAA और NRC प्रोटेस्ट की बात हो या वर्ष 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे की बात, इसके अलावा अगस्त 2020 में बेंगलुरु में हुए दंगे हो या अन्य कोई विभत्स घटना, इन सभी में PFI का सीधा हाथ बताया गया था, जिससे दिल्ली और देश के अन्य कई राज्य दहल उठे थे। निसंदेह PFI हिंसक और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा है। यही नहीं, यह संगठन दंगाइयों को फंड देकर उन्हें बढ़ावा देने का भी काम करता है, और इसके कई मामले भी सामने आ चुके हैं। जिस प्रकार विदेशी ताकतों के साथ मिलकर और फंड जुटाकर PFI अपने एजेंडे को पोषित कर रहा है, वो CIMI 2.0 बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। ज्ञात हो कि CIMI स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया वर्ष 2001 में भारत में बैन हो चुका एक संगठन है, जिसका मूल उद्देश्य भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। चरमपंथियों के इस संगठन CIMI ने भारत के खिलाफ जिहाद की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य या तो जबरदस्ती सभी को इस्लाम में परिवर्तित करके या हिंसा से दारुल इस्लाम स्थापित करना था। भारत सरकार ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए वर्ष 2001 में 9/11 हमलों के बाद तुरंत प्रतिबंधित कर दिया था। ऐसे में CIMI 2.0 बनने की राह पर चल पड़े PFI को भी भारत में पूर्णतः बैन करने की मांग हर ओर से उठने लगी है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड समेत कई राज्य गृह मंत्रालय से इस संगठन को बैन करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल इस तरह का कोई प्रतिबंध लागू नहीं किया गया है। ऐसे में अब PFI स्वयं को मददगार संगठन के रूप में वर्णित करने की नई चाल चलने लगा है। खबरों के मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कड़ी निगरानी के कारण अपने एजेंडे को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए एक नई रणनीति तैयार की है। PFI, जिसे प्रतिबंधित आतंकी समूह CIMI का प्रमुख संगठन माना जाता है, अपने एजेंडे को चलाने के लिए देश भर में अलग अलग नामों से छोटे कल्याणकारी समाज बनाने की योजना बना रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार को अब सख्त से सख्त एक्शन लेते हुए इस इस्लामिक संगठन को प्रतिबंधित कर इसका हिसाब करना चाहिए, और CIMI की तरह ही प्रतिबंधित कर इसके कट्टरपंथी सदस्यों की क्लास लगानी चाहिए।